नमस्कार, मेरे चैनल में आपका स्वागत है। आप चावल के लिए तो बहुत बार बनाए होंगे, एक बार सूजी के लिए बनाकर देखिए, बहुत सॉफ्ट और बहुत टेस्टी बनता है। आइए तुरंत बनाकर आप खा सकते हैं। सूजी के लिए बनाने के लिए 700 ग्राम मैं सूजी ली हूँ, उसमें 400 ग्राम दही डाल के इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे और आधा गिलास पानी भी डालेंगे ताकि सूजी और दही अच्छे से मिक्स हो जाए। देखिए इस तरह से, और इसको फिर ढक के आधा घंटा के लिए रख देंगे। आधा घंटा बाद इसमें थोड़ा थोड़ा पानी डालेंगे और इसको फिर अच्छे से मिक्स करेंगे। तो जितना अच्छा आप मिक्स कीजिएगा उतना अच्छा आपका इडली बनेगा। और पानी ज़्यादा नहीं देंगे, पानी बस थोड़ा थोड़ा ही डालेंगे। देखिए इस तरह से इसको मिलाते रहेंगे। देखिए लगभग हो गया है, पानी उतना ही देंगे जो आराम से इसको चम्मच से आप उठा सकते हैं। देखिए हो गया। अब इसमें एक चम्मच नमक डालेंगे, नमक ज्यादा नहीं देंगे, नमक हल्का ही पड़ेगा। और एक चम्मच बेकिंग पाउडर भी डाल रहे हैं और एक चम्मच से थोड़ा सा कम कुकिंग सोडा डालें। सबको फिर अच्छे से मिक्स कर लेंगे। ये ध्यान रखना है जो अच्छा से मिल जाए। अब इडली स्टैंड लेंगे, उसमें थोड़ा सा रिफाइंड या घी लेके थोड़ा थोड़ा लगा देंगे। ये लगाने से इडली निकालने में आराम होता है, आसानी से इडली आपका निकल जाएगा। और चम्मच से इसमें अच्छे से डाल लेंगे। देखिए ज़्यादा नहीं इसको भरेंगे, बस बराबर में ही रखेंगे। इडली स्टैंड आपका बन के तैयार है। अब कुकर को गर्म करेंगे, उसमें एक कप पानी डाल लेंगे और इडली स्टैंड को इसमें बिना हिलाए डाल देंगे और ढक्कन से सीटी निकाल के कुकर को अच्छे से पैक कर लेंगे। गैस को तेज ही रखेंगे, जब भाप निकलने लगेगा तो गैस को कम करके 5 मिनट के लिए इडली को पकने देंगे। 5 मिनट बाद गैस को ऑफ कर देंगे और कुकर को अपने से ठंडा होने देंगे। देखिए हो गया है ठंडा, इतना चटपुला फुला स्पंजी इडली बन के आपका तैयार है। अब इसको कुकर से बाहर आप निकाल लीजिए और चटनी और सांभर के साथ खाइए। देखिए कितना अच्छा सॉफ्ट बना है। और मेरे चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। अगर आप सांभर भी बनाना चाहते हैं तो मेरे दूसरे वीडियो में सांभर की रेसिपी है, आप उससे देख के